अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन फूड वर्ल्ड। आज हम फूड वर्ल्ड किचन में आपके सामने एक और रेसिपी शेयर करेंगे जो कि है खोया खीर की रेसिपी। खोया खीर के लिए मैंने 2 लीटर मिल्क लेकर उसको पहले बॉयल होने के लिए रख दिया है। अब मेरे पास यहाँ पर है 1/2 कप सेलर राइस जिसको मैंने सोक कर दिया है 1/2 आवर के लिए, और यहाँ मेरे पास है 250 ग्राम खोया, 250 ग्राम मीन्स 1 कप शुगर, और ये है मेरे पास एलमंड एंड पिस्ताचियो एंड ग्रीन कार्डमम कोकोनट। अब इन सब चीज़ों को मैंने सबसे पहले मिल्क जो बॉयल किया है उसके अंदर, ये जो राइस हैं सोक किए हुए उसके अंदर मैं ये इसका वाटर डिस्कार्ड करके ये डालूंगी, और ये जो कोकोनट पीसेज है ये मैं वॉश करके अच्छी तरह इसको भी हमने मिल्क के अंदर ऐड कर देना है। अब इसके अंदर हम ये जो राइस सोक किए हैं ये ऐड कर देंगे, कोकोनट और ग्रीन कार्डमम ऐड कर देनी है। इसको हमने इतनी देर कुक करना है कि ये जो इसके अंदर राइस डाले हैं ये सॉफ्ट हो जाएं। व्यूअर्स, आपके सामने जो मैंने कोकोनट राइस एंड ग्रीन कार्डमम जो ऐड की थी तो उसके बाद मैंने इसको कुक किया था 40 मिनट्स के लिए। अब आप इसको देख सकते हैं, अब मैं इसके अंदर जो मेरे पास 1 कप शुगर है ये ऐड करके इसको कुक करूंगी थिक होने तक के लिए। अब मैं इसको शुगर ऐड करने के बाद, इसको हमने कुक किया है 15 to 20 मिनट्स के लिए। अब मैं इसका स्टव ऑफ कर दूंगी, स्टव ऑफ करके इसको हम ब्लेंड करेंगे। अब हमने इसको देखें ब्लेंड कर लिया है बिल्कुल, आप इसको देख सकते हैं, और ये थोड़ी थिक भी हो गई है ब्लेंड करने के बाद। अब हमने इसमें कुछ नहीं करना है, ये जो हमारे पास खोया है वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, और थोड़ा सा खोया मैंने रोक लिया है टॉप पर ऐड करने के लिए, जब हम इसको सर्व करेंगे तो इसमें टॉप में ऐड करना, टॉप पर डालने के लिए हमने थोड़ा सा खोया इसमें रोक लिया है। अब इसको हमने सिर्फ 2 मिनट्स के लिए कुक करना है, और फिर स्टव ऑफ करके इसको रूम टेम्परेचर पर लाऊंगी मैं। फिर ये रूम टेम्परेचर पर आकर और थिक हो जाएगी, आप देख सकते हैं वैसे अच्छी खासी थिक है। फिर ये रूम टेम्परेचर पर आकर और थिक होगी, फिर हम इसको अपने सर्विंग बाउल में निकालेंगे और सर्व करेंगे। जी तो व्यूअर्स, जो मैंने आपके सामने अभी भी खीर की रेसिपी आपसे शेयर की थी वो खीर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं मैंने टॉप पर इस पर डाला है खोया और एलमंड एंड पिस्ताशियो, ये बिल्कुल मैंने चॉप करके ऐड कर दिए हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फूड वर्ल्ड एंड शेयर द रेसिपी विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। अल्लाह हाफिज़।